हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि के एक प्रोडक्ट का जिसका नाम है जामुन विनेगर सिरका। तो ये स्पेशली जामुन का जूस है जिसको कहा जाता है कि विटामिन ए और विटामिन सी से ये परिपूर्ण होता है, रिच इन विटामिन ए एंड सी। और ये एक कंपाउंड होता है जो इफ़ेक्टिव होता है आपको कैंसर, हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, डायरिया, आर्थराइटिस, इस तरीके के डिसीजेस से आपको कम करने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कारगर साबित होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, ये जो जामुन विनेगर है, सिरका जो है, आप अगर डेली लेते हो तो आपको डायबिटिक्स के रिलेटेड इश्यूज में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। अब अगर हम इसकी प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इसकी प्राइस लगभग आती है 70 रुपीज़ और ये 500 ml में आता है। तो पतंजलि ने ये स्पेशली बनाया है खास करके ऐसे लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से परेशान है। तो इसको लेने की विधि अगर मैं आपको कहूँ तो नॉर्मली आप 3 से 4 चम्मच या फिर कह सकते हैं कि 10 से 20 ml कोल्ड वाटर में लीजिए 2 टाइम में, शाम को और खास करके शाम को और सुबह को। खाली पेट ही ले सकते हैं इसको या फिर थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद में, और सेम क्वांटिटी में इसको पानी मिलाए। अगर 10 से 20 ml आप कोल्ड वाटर में इसको लेते हो तो उतना ही वाटर होना चाहिए जितना कि जामुन विनेगर आप ले रहे हो। तो दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जामुन विनेगर के बारे में लोगों के मन में होते हैं जिनका वन बाय वन हम लोग आज आंसर करेंगे। तो क्या ये डायबिटिक्स रिलेटेड पीपल के लिए इफ़ेक्टिव होता है? तो जी हाँ, डायबिटिक्स से परेशान लोग इसको ले सकते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है डायबिटिक्स केसेस में। ये आपको मदद करता है कैंसर, हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, डायरिया और आर्थराइटिस में आपको सॉल्यूशन देता है या फिर उसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको कम करता है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ये वेट लॉस करने में कारगर साबित होता है? तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये विटामिन ए और विटामिन सी से परिपूर्ण है तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इफ़ेक्टिव बनाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाता है। और सुबह के टाइम में अगर आप इसको लेते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको होता है, क्योंकि आपके जो अंदर के पेट के अंदर के जो भी चीज़ें हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करने लगते हैं, आपको भूख भी अच्छे से लगती है और पाचन क्रिया भी व्यवस्थित आपकी हो जाती है। सो वेट लॉस करने में ये आपको इफ़ेक्टिवली हेल्प करता है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि क्या ये आपको जब आपको पेशाब में जलन सी महसूस होती है उसमें इफ़ेक्टिव है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पेशाब के टाइम में जलन होती है तो ये आपको वहाँ पे भी हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। दोस्तों, ये जो जामुन विनेगर है ये आपके ब्लड शुगर जो लेवल है उसको स्पाइक नहीं होने देता है। इसका हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट होता है जो कि अप टू 30% आपकी ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो इसे रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। और सर्टनली उसको हेल्प भी होता है टू एनहांस द इंसुलिन एक्टिविटी, और उसकी जो सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन की उसको एनहांस करने के लिए भी जामुन विनेगर इफ़ेक्टिव होता है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये जामुन विनेगर मुझे दूध के साथ में कंबाइन करके इसका शेक लेना चाहिए? तो डेफिनेटली नो, आपको दूध के साथ में किसी भी फ्रूट को दरअसल मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको एसिडिक बनाने में कारगर होता है। तो आपको मिल्क के साथ में किसी भी फ्रूट्स को यूज नहीं करना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ये एक एनिमल प्रोटीन होता है मिल्क, सो उसमें अगर हम लोग फ्रूट्स के रिलेटेड घटक इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके एसिडिटी बढ़ाता है, फर्मेंटेशन भी ठीक से नहीं होता है और गैस्ट्रोलॉजिकल भी फैक्ट आपको या फिर उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो ये तो था। और इसके अलावा दोस्तों, जामुन विनेगर की आपको गार्गल नहीं करना है, ये डेफिनेटली वाटर में मिक्सअप करके लेना है ओनली। उसको हम लोग कैसे, कॉन्सेंट्रेटेड जामुन विनेगर आपको नहीं पीना है कभी भी, उससे आपके जो थ्रोट में होता है वो थ्रोटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। सो अवॉइड करें डायरेक्टली लेना, उसको समानांतर पानी में मिक्सअप करके ही उसे लेना चाहिए। तो ये तो थी दोस्तों कुछ फैक्ट्स और मैं कह सकता हूँ कि बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जामुन विनेगर। सो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, स्पेशली अगर आप डायबिटिक पर्सन हो तो आपको जामुन विनेगर का इस्तेमाल
रेगुलरली करना चाहिए। अवॉइड कीजिए कि पूरा का पूरा एम्प्टी स्टमक अगर आपका है तो उसमें आप इसको कंज्यूम ना करें, कुछ ना कुछ हल्का सा नाश्ता करने के बाद ही इसका सेवन आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें इंसिस्ट कीजिए कि इसका सेवन रेगुलरली अपने दिनचर्या में करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ और रिव्यू मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हैव अ गुड डे।